अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर फरोज़ान अंसारी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, मैं अक्सर बहुत आसान नुस्खे बताता हूँ, बहुत ज्यादा आसान, और आज वाला नुस्खा तो बहुत ही आसान है उन लोगों के लिए, उन मर्द हजरात के लिए जो अपनी मर्दाना कुव्वत को वापस पाना चाहते हैं, जिन लोगों की मर्दाना ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पिछले 10-15 साल से बीवी के पास जाते हैं और जाने के बाद बिल्कुल मायूस होकर वापस आते हैं, सुरसुराहट भी नहीं है, लिंग बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता है, बीवी हमेशा नाराज रहती है। मैंने अक्सर देखा है कि मर्दाना कमजोरी की वजह से घर शमशान बन जाते हैं। क्यों? जब आप अपनी मर्दाना ताकत खो चुके होते हैं तो बीवी को तो वो चीजें चाहिए होती है, और कुछ समझदार औरत समझ जाती है, बट जिनकी नीड ज्यादा होती है या जिनको चाहिए ही होता है तो वो तो नहीं समझेंगे, तो इसी वजह से घर में लड़ाई झगड़े भी पैदा हो जाते हैं, और लड़ाई झगड़ों की वजह से बहुत सारी चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती है और बिगड़ भी जाती है। तो आज का जो नुस्खा है ये उन लोगों के लिए है, बहुत ही आसान है, आप इसको आराम से घर पे भी बना सकते हैं, सारी चीजें आसानी से पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगी, और नुस्खा बनाकर आप उसका इस्तेमाल करें और जबरदस्त फायदा उठाएं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे, काट काट के देखेंगे, तो आपको मालूम ही पड़ेगा कि मैंने क्या बताया है और कैसे बताया है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कैसे इसको बनाना है। चलिए आपको नुस्खा बता देता हूँ, ज्यादा वक्त जाया नहीं करते आपका। आपको लेनी है काली मूसली और सफेद मूसली, दोनों 50-50 ग्राम, साला पंजा 50 ग्राम, और आपको लेना है शतावर 50 ग्राम, और शतावर के बाद आपको लेनी है कुंजा मिश्री, वो लेनी है आपको 100 ग्राम। ये सारी चीजें आपको एक जगह इनको कूट कर पीस कर छान लेना है, मिश्री को अलग कर देना बाकी सारी जड़ी बूटियों को पीस के, फिर बाद में मिश्री भी उसमें मिला के, फिर उसके बाद अच्छे से उसको कूट के पीस के पाउडर बना लेना है। ईजी है, बहुत आसान है। पाउडर बनाकर 4 ग्राम सुबह को खाली पेट और 4 ग्राम शाम को खाना खाने के बाद 2 टाइम इसका इस्तेमाल करना है, गर्म दूध से कर लेना, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म नहीं भाई, आप उसको हल्के गर्म दूध से इस्तेमाल कर सकते हैं तकरीबन 60 दिन। खट्टी चीजें नहीं खानी, नींबू संतरा मौसमी अचार, इमली वाली खटाई बिल्कुल बंद होगी आपकी, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है खटाई। तो ये नुस्खा जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे आपकी मर्दाना ताकत धीरे 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 स्लोली स्लोली वापस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई है, इसमें कुछ जादू तो होता नहीं, कुछ टाइम तो लगता है बॉडी के अंदर। तो जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे 40 से 60 दिन, आपकी मर्दाना ताकत पहले की तरह वापस होनी शुरू हो जाएंगे। ये शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाती है, बढ़ाने के बाद आपके वीर्य को भी थोड़ा सा गाढ़ा करती है, तो धीरे धीरे आपकी मर्दाना ताकत वापस आनी शुरू हो जाएंगे, और आप अपनी बीवी को अच्छी तरीके से संतुष्ट और खुश कर पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने किसी एक दोस्त में जो जरूरतमंद हो, उसका भी फायदा हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।